हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो कल लेक्चर में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10वीं है कि एक्स वाई तल में स्थित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान दे रखा है हमें 5×10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक वलय की त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 0.1 मीटर और जेड एक्स वह वलय के अक्ष के मध्य कोण थीटा 60 डिग्री और वलय से निर्गत फ्लक्स पूछा गया है। चलिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है, जैसे तुम्हारे पास में ये बोर्ड है, ये जो है एक्स वाई तल में स्थित एक परत मान लीजिए और इस पर आवेश है, तो इसके ऊपर जो आवेश है तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बोर्ड तल के लंबवत होगी। कौन सी दिशा में होगी? जेड दिशा में। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहां पर ये जेड दिशा ले लूं, ये जेड दिशा होगी और ये हमारे पास में कोई वलय है, ये वलय है, तो इस ये वलय की अक्ष हो गई, ये वलय की अक्ष और ये हमारे पास में जेड एक्स, तो इस वलय की अक्ष और इस जेड एक्स के बीच में कोण कितने का है? ये कोण है आपके पास में 60 डिग्री। कैसे? जैसे ये हमारे पास में जेड एक्स, देखिएगा ये जो पेन है ये जेड एक्स को बता रहा है और ये जो पेन है वो किसको बता रहा है? वो वलय की एक्स को बता रहा है और दोनों के बीच में कोण कितने का हो गया? दोनों के बीच में कोण हो गया 60 डिग्री का। तो फिर इस वलय से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास में ये एक्स वाई तल है, इस एक्स वाई तल जो है इस तल में एक ये परत है, इस परत के ऊपर आवेश है और इससे जेड एक्सिस से हमने कोई ये एक वलय ली, कितने डिग्री पर? ये हमने 60 डिग्री पर ली। किससे? जेड एक्स से, 60 डिग्री पर इसकी एक्स है। तो इस वलय से कितना जो है वो फ्लक्स गुजरेगा वो फाई हमें ज्ञात करना है। क्लियर? तो फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, हम जानते हैं फ्लक्स फाई बराबर फ्लक्स सॉल्यूशन फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट एस, ठीक, बाय डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से फाई इक्वल ई एस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन फ्लक्स निकालें तो हमें क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, वो हमें नहीं मालूम। क्षेत्रफल चाहिए, वो भी हमें डायरेक्ट नहीं मालूम। थीटा वो मालूम है 60 डिग्री, लेकिन इसे मैं नंबर फर्स्ट दे लू, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर किसी भी पतली परत की वजह से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं कितना होता है? ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन वलय जो है वो वलय वृत्ताकार है, तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल एस बराबर पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब हम यदि 2 और 3 की वैल्यू एक में रख दें, 1, 2 व 3 से, बोलिए क्या रिजल्ट है? रिजल्ट आया फाई इक्वल ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एस की वैल्यू पाई आई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब फाई निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? सिग्मा गिवन है, त्रिज्या आर दी हुई है, थीटा कौन ये भी हमें मालूम है, हम फ्लक्स इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन डॉट पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो फिर वैल्यूज पुट करें, तो मैं वैल्यूज यहां पर पुट करने जा रहा हूं। आप देखिएगा फाई इक्वल, फाई इक्वल वैल्यू ऑफ सिग्मा 5×10⁻⁶ पाई 3.14 त्रिज्या 0.1 का वर्ग। क्लियर?
0.1 का वर्ग इंटू इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू, अपॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन और 2 गुणा में 8.854 इंटू 10^-12 है। ठीक, एक बार मैं फिर से इस वैल्यू को हम कैसे पुट कर रहे हैं ये दिखा सकते हैं। देखिएगा आपको क्या क्या चाहिए, सिग्मा ये रहा 5 × 10^-16, 5 × 10^-16, 3.14 पाई का मान, त्रिज्या 0.1 का वर्ग कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा में इतना, लेकिन कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 × 5×10^-16 गुणा में 3.14 गुणा में 0.1 गुणा में 0.1 कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2 और गुणा में 10^-12 गुणा में 8.854 और गुणा में 2। ठीक है, और मात्रक वोल्ट मीटर। ठीक, यहां आपके पास में अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, पहले 10^-12 की कोई -12 ये है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 10^-16 में और 12 में प्लस किए जाएंगे तो ये हमारे पास में जो है वो माइनस के 4 बच जाएंगे, बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो फिर इस तरीके से ये फाई की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो फिर फाई इक्वल इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं 4.44 इंटू 10^-7 वोल्ट मीटर। ठीक है, आप इनको कैलकुलेशन मिलाइए और इस तरीके से हम फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर ये हो गया तुम्हारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए हमें फ्लक्स निकालना है, किससे, इस वलय से, वलय से हमें फ्लक्स निकालना है और एक्स वाई तल में कोई परत है और उस जेड एक्स से वो जो वलय है उसकी एक्स कितना कोण बनाती है, वो कोण बनाती है कितने का, 60 डिग्री का, ये किसकी एक्स है, वलय की, ये किसकी, ये क्या है, ये जेड एक्स है, तो इसके कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फिर इस बोर्ड में जो जो हमारे पास में जो आवेश इसको दिया गया है या इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा और वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो विद्युत क्षेत्र ई का मान यहाँ निकाला हुआ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्षेत्रफल एस का मान पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ इसमें रख देंगे, थीटा का मान 60 डिग्री है ही और ये वैल्यूज रख करके इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब आप इस न्यूमेरिकल नंबर 10 को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, तो और इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम आते हैं। देखिए क्या है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 11। क्या कहती है ये प्रॉब्लम, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे कोई चालक प्लेट है, उस चालक प्लेट से जो है कुछ दूरी, वो दूरी हमारे पास 5 मिलीमीटर दूरी है, उससे इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाता है। तो फिर चालक प्लेट से इलेक्ट्रॉन की दूरी वो है 5 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर का मतलब 5×10^-3 मीटर के लिए से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है।
अब पूछा ये गया है कि उस चालक प्लेट पर कितना पृष्ठ आवेश घनत्व उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन उस चालक प्लेट से ना टकराए। ठीक, तो फिर इसका मतलब हमें कितना पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा उसको दिया जाए प्लेट को जिससे कि वो उससे ना टकराए। ये हमें क्वेश्चन में मैथमेटिक्स दी गई है। तो फिर हम सॉल्यूशन कैसे करें देखिए। सपोज कीजिए कि ये आपके पास में कोई चालक प्लेट है, ये चालक प्लेट इस तरीके से हमने ली थी, ठीक, और इस चालक प्लेट, जो चालक प्लेट है उस पर जो आवेश है उस आवेश को हम कैसे क्या करेंगे देखें। इस चालक प्लेट को हम कुछ आवेश देते हैं, लेकिन बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो आवेश देंगे तो प्लस की बजाय इसको माइनस आवेश देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस इसको आवेश दिया गया और ये इलेक्ट्रॉन खुद भी निगेटिव था, लेकिन इसको पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा दिया गया। तो फिर ये कितना दिया जाए कि ये रिपेल होकर के या प्रतिकर्षित होकर के ये इलेक्ट्रॉन इससे ना टकराए। तो इससे ना टकराए तो फिर उस सिग्मा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास में कोई चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट को मैंने ऋण आवेश दिया, उधर कोई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है जिसकी ऊर्जा हमें ये दे रखी है, लेकिन इसको हम कितना पृष्ठ आवेश घनत्व दें जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन इससे प्रतिकर्षित होकर के यहीं की यहीं रुक जाए, ये इस प्लेट से ना टकराए। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो आइडिया है इस क्वेश्चन का। तो फिर ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तब होगा कि यहां इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इधर जो है इस प्लेट के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर किया गया वर्गड़न डब्लू, ये दोनों सेम। तो इसका मतलब ये बात हो गई कार्य ऊर्जा प्रमेय से कि जितना इलेक्ट्रॉन के पास में गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा के को निरस्त करने के लिए इस चालक प्लेट द्वारा उतना ही कार्य इलेक्ट्रॉन पर किया जाए। तो फिर हम क्या लिखें यहां पर, कार्य ऊर्जा प्रमेय से ये वर्क किया जाएगा इधर से, उधर से जो है वो गतिज ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। प्रमेय से क्या कहती है कार्य ऊर्जा प्रमेय? ई वर्क जो है वो किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा की। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, एफ इंटू डी बराबर के। ठीक, एफ बल है, एफ बल। डब्लू क्या है? कार्य, एफ बल। अब बल एफ जो है वो है क्यू ई, क्यों? यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश में क्यू मान लेता हूं और इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना पैदा होता है यहां पर E, तो क्यू ई डी इक्वल के। ठीक, लेकिन यहां हम ये देखें क्या किया हम, यहां पर F इक्वल क्या रख दिया? क्यू ई। अगेन E की वैल्यू तो किसी चालक प्लेट के कारण, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम व्युत्पन्न कर चुके हैं। देखो क्या होता है, क्यू इंटू में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी इक्वल में के। ठीक है, आपको क्या चाहिए? सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एप्सिलॉन नॉट इनटू के डिवाइड बाय क्यू डी। ठीक है, वो पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को रोके। तो देखिए कार्य गति ऊर्जा के बराबर। तो फिर अब हम यहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के क्यू और डी। लेकिन एक बात देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 10^3 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 जूल, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। एक बात, आवेश, आवेश क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है ई परिमाण में, क्यू बराबर ई 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ये सभी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैं इन वैल्यूज को यहां रख देता हूं। कितनी आई? सिग्मा इक्वल 8.854 इंटू 10^-12 है, किसकी वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट की। अब आ जाइए के की वैल्यू, के कितना था? ये रहा इंटू 10^3 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 डिवाइड बाई
क्यू का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इनटू डी। डी का मान कितना, कितनी दूरी थी यहां से यहां तक की 5 mm, 5 mm का मतलब 5 × 10⁻³ मीटर। सभी वैल्यूज पुट कर दी कहां पर, इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है, तो इनके कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, सिग्मा बराबर 1.77 × 10⁻¹। पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेशन में लेंगे तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है वो न्यूमेरिकल कौन सा हो गया, 11। तो मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर दूं, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि कोई चालक प्लेट है, उससे 5 मिलीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, ये 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है और उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे ना टकराए, इसलिए इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी, गतिज ऊर्जा, ये रही। और पालक चालक पट्टी का को क्या करना था, कार्य करना था इलेक्ट्रॉन पर, तेरे को वहां रुकना है। तो फिर ऐसी स्थिति में कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर के, लेकिन कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन बराबर गतिज ऊर्जा। तो फिर बल कितना काम करेगा, तो बल यहां पर कितना काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर मैं आवेश क्यू मान लूं और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां क्या मान लूं, कैपिटल ई मान लूं। तो फिर ये एफ का मान क्यू ई हो गया इनटू डी बराबर के, लेकिन हमें ई का मान यहां पर कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से आपको निकालना तो सिग्मा था ना, तो फार्मूले को एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद में आपने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी, पुट करने के बाद में इसकी कैलकुलेशन कर ली। तो इस तरीके से यहां पर आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन सी, 11। नोट कीजिए इसको भी। अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम आते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12। तो 12 प्रॉब्लम क्या कहती है, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12, 12 का न्यूमेरिकल। एक साबुन का बुलबुला है और उसके बाहर और अंदर जो है वो दाब समान है साबुन के बुलबुले में। तो साबुन के आपको दे रखा है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, साबुन के घोल का पृष्ठ आवेश घनत्व, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.04 न्यूटन पर मीटर, 0.04 न्यूटन पर मीटर। साबुन का कोई बुलबुला था तो साबुन का जो घोल है उसका पृष्ठ तनाव इतना है, और इस बुलबुले का जो व्यास है, बुलबुले का व्यास मतलब डायमीटर डी, तो डायमीटर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो फिर बुलबुले की त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आर बराबर डी बाई टू बराबर 4/2 इक्वल 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 2 × 10⁻²। ये उस साबुन के बुलबुले का क्या है कि त्रिज्या है। अब हमें जो है इस बुलबुले पर आवेश निकालना है, बुलबुले पर आवेश, ठीक, क्यू का मान चाहिए। तो फिर इसका मतलब उसको जो आवेश देते हैं उस आवेश के कारण बाहर की तरफ लगने वाला दाब और पृष्ठ तनाव के कारण अंदर लगने वाला दाब,
ये दोनों दाब यदि साम्यावस्था में है, साम्यावस्था या संतुलन अवस्था है, क्योंकि जब हम साबुन के बुलबुले को, ये साबुन का बुलबुला है, इसको आवेश देंगे तो एक दाब किधर काम करेगा, बाहर की ओर, और पृष्ठतनाव के कारण दाब किधर काम करेगा, अंदर की ओर। तो इसे तो हम कहेंगे पी एक्सेस प्रेशर, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर, पी इलेक्ट्रिक। लेकिन जब ये यहां पर इसको इस तरह का आवेश क्यों दिया, कितना दिया जाए, कि उस केस में कि ये दोनों दाब आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो हमें साम्यावस्था में आवेश का मान निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं साम्यावस्था में, साम्यावस्था में बुलबुले पर आवेश क्यू का मान क्या होगा, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने डेरिवेशन किया था, क्या साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था का डेरिवेशन था, वो क्या था, साम्यावस्था में, सॉल्यूशन कर रहा हूं, साम्यावस्था में बुलबुले पर आवेश क्यू बराबर, ठीक है, क्यू बराबर 4 पाई अंडर रूट 8 epsilon naught TR³। ये साम्यावस्था में आवेश होता है। अब आपके पास सभी वैल्यूज अवेलेबल हैं, बोलो epsilon naught, T की वैल्यू मालूम है, प्रस्तना R की वैल्यू मालूम है, ये आपके पास में मौजूद है, ठीक है। तो फिर Q बराबर, वैल्यूज को पुट करें, 4 × 3.14 वर्गमूल 8 × 8.854 × 10^-12 टी का मान कितना है, 0.04 × कितना, यहां से त्रिज्या आर, 2 × 10^-2 का होल क्यूब, क्लियर। ये हमने साइज वैल्यूज यहां पर पुट कर दी, तो ठीक है, क्या आएगा, क्यू बराबर 4 × 3.14 वर्गमूल, 10 की जो पावर है उनको जो है हम अलग से एडजस्ट कर लें, 10 की पावर को, बाकी जो राशियां हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर 22.6816 × 10^-18। क्यों, 3 × 6 − 6 और माइनस की 12 है, तो माइनस की 12 और माइनस की 6 कितनी हो गई, माइनस की 18, बाकी 8.54 को, 0.04 को और 8 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको जो है इसका वर्गमूल निकालें, तो इसका वर्गमूल निकालें तो Q बराबर 4 × 3.14, ठीक, वर्गमूल आया 4.76, 22.6816 का, और गुना 10^-18 का वर्गमूल करोगे, 10^-9, ठीक। अब ये तुम्हारे पास में राशियां आ गई, अब 10^-9 कूलाम, 10^-9 को जो है नैनो कहते हैं, तो फिर इनको हम गुणा कर लें, तो फिर Q बराबर 69.8 नैनो कूलाम, क्यों, इसको हम नैनो कह देंगे और कूलाम है ही, और इनकी इनसे गुणा करेंगे तो ये 59.8 नैनो कूलाम आ जाएगा। तो फिर ये इजी सा न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है, तो कैसे कर सकते हैं पता लग गया। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, कोई साबुन के घोल का बुलबुला है, ठीक है, उसे हम कितना आवेश दें, अर्थात साम्यावस्था में जो है उसको कितना आवेश प्रदान किया जाए, जिससे कि भार से लगने वाला दाब, पृष्ठतनाव के कारण लगने वाला दाब और वैद्युत दाब दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो फिर ये आपको दे रखा था पृष्ठतनाव, दे रखा था त्रिज्या, दे रखी थी, और वो आवेश क्यों आपको साम्यावस्था में निकालना था। तो फिर साम्यावस्था में बुलबुले पर आवेश का फार्मूला ये होता ही है, ये होता है, तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद भी आवेश का मान ज्ञात कर लीजिए। इस तरीके से आपके पास में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन सी हो गई, 12। नोट कीजिए इस प्रॉब्लम को भी। फिर हम एक अलग न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक और लेते हैं हम लास्ट,
वो न्यूमेरिकल है एट्थ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आठ। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है धात्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, धात्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। कोई धात्विक दो समांतर पृष्ठ है, धात्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। सपोज कीजिए कि कोई दो धात्विक पृष्ठ है, ये आपके पास में कोई दो धात्विक पृष्ठ है और इन इसमें प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है। क्लियर, तो ये तो हुई धात्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। फिर इन धात्विक पृष्ठों के मध्य दूरी, धात्विक पृष्ठों के मध्य दूरी, धात्विक पृष्ठों के मध्य दूरी, तो ये दूरी कितनी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। ठीक है, दो धात्विक पृष्ठ है और उनका क्षेत्रफल इतना है और इन दोनों धात्विक पृष्ठों के बीच की दूरी इतनी है तथा इन धात्विक पृष्ठों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दे रखी है। धात्विक पृष्ठों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, 55 वोल्ट पर मीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या होगी, प्रत्येक धात्विक पृष्ठ पर, धात्विक पृष्ठ पर आवेश Q क्या होगा, Q का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं जिससे कि तुम समझ सको। ये हमारे पास में दो धात्विक पृष्ठ हैं, इनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल देखो 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 0.05 मीटर दे रखी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों जो है इन चालक प्लेटों या धात्विक पृष्ठों के बीच के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, 55 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है कि इन पर आवेश का परिमाण क्या होगा, क्यू का मान चाहिए। मैंने एक आर्टिकल करवाया था, तुम्हें याद हो तो, मैंने कहा था कि जब दो चालक प्लेटें ऐसे समांतर रख दी जाए तो तीन बिंदु लें ए बी और सी, याद आया कुछ, तीन पॉइंट लिए थे ए बी और सी। मैंने कहा था कि इस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन अंदर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, इन पर पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण। चलिए, तो अब हम उसी चीज को यहां पर लागू करेंगे आवेश को निकालने के लिए। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्या धात्विक ये इस तरीके से हम ले सकते हैं, ये हमारे पास में चालक प्लेटें हैं और इन चालक प्लेटों के बीच में ये तीन पॉइंट दिए थे, ये चालक प्लेट है, ये प्लस और ये आपके पास में क्या माइनस। फिर यहां ई का मान कितना था 0, यहां ई का मान कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां अगेन ई का मान कितना था सी पॉइंट के ऊपर 0। इसी बात को मैं यहां ले रहा, तो फिर यहां हम लिखेंगे धात्विक 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 पृष्ठों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आपको E का मान मालूम है, दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, एप्सिलॉन नॉट मालूम है, लेकिन सिग्मा हमें चाहिए क्यों। लेकिन ये बात नंबर एक ले लें, लेकिन बताइए सिग्मा बराबर Q अपॉन में A, ये बात नंबर दो, तो फिर एक वह दो से क्या आ जाएगा रिजल्ट, E बराबर सिग्मा का मान रखिए Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, रख दिया किसका मान रखा मैंने सिग्मा का, कितना Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट चाहिए, आपको किसका मान चाहिए Q का, तो फिर Q बराबर E A एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे पास फार्मूला आ गया, अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए, देखिएगा वैल्यूज रख करके क्या आता है, Q इक्वल वैल्यू ऑफ E का मान कितना 55 गुणा A का मान बताओ कितना हुआ 1 मीटर स्क्वायर 1 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.854 गुणा 10 की घात कितना -12। ठीक है,
एक बार आप फिर से देख सकते हो हमें किसका मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए, ठीक है। तो क्यू का मान चाहिए तो ई ए एप्सिलॉन नॉट चाहिए, हमें उनके बीच की दूरी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इन चीजों को हम कैलकुलेशन में लाएं, तो कैलकुलेशन में लाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, क्यू बराबर, क्यों, क्योंकि पृष्ठों के बीच की में जो पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता है देखिए उन वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, वो सिग्मा अपॉन में कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। तो 4.87 × 10⁻¹⁰ कूलम, ये तुम्हारे पास कैलकुलेशन करोगे तब ये रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपोर्ट कर दूंगा, ये देख सकते हो आप, यहाँ धातिक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठों के मध्य दूरी दे रखी है, जो काम नहीं आ रही है उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, आपको चाहिए पृष्ठ पर आवेश। तो ये जैसे धात्विक पृष्ठ है, इन पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 आपको दी गई है, लेकिन इन पर पृष्ठों पर आवेश का परिमाण पूछा है, तो हमें चाहिए क्यू का मान। तो फिर धात्विक पृष्ठों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा की वैल्यू रख दी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो फिर यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए रख दी, फिर यहाँ से किसका मान निकाल लिया, क्यू का, क्यू का मान निकाल करके इसमें रख देंगे। तो इसको भी आप नोट कीजिए, इस तरीके से ये तुम्हारे चैप्टर सेकंड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और चैप्टर सेकंड जो है वो भी आपका जो है थ्योरेटिकल व्यू में और जो है इस न्यूमेरिकल व्यू में ये कंप्लीट हो जाता है। तो साथ साथ आप इसके जो है टेस्ट की तैयारी भी करते रहिए। थैंक यू।